हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का पहला स्टेप बताया था कि किस तरह से आप पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं और पासपोर्ट ऑफिस में फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बाकी दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहां पर लॉगिन हो चुके हैं, अब आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहां पर आपको सबसे पहले ऑप्शन अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है। आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहां पर आपका पासपोर्ट टाइप पूछा जाएगा। तो यहां पर हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है, और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट में 36 पेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे एप्लीकेशन डिटेल पूछी जाएगी, तो सबसे पहले आपको अपना नेम सरनेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है, तो यहाँ पर भी नो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, तो अगर हुआ है तो यस सेलेक्ट करना है, और अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, विलेज टाउन सिटी, तो जिस भी विलेज या टाउन या फिर सिटी में आपका जन्म हुआ है उसे फिलअप कर देना है। फिर आपसे आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुई है तो आप सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, तो आपको बाय बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ACR कैटेगरी, तो अगर आप 10th क्लास क्वालिफाइड हैं या फिर 10th से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है, ये भी ऑप्शनल स्टेप है। फिर यहाँ पर आपसे कंसेंट पूछा जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ आई एग्री यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने अपनी जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करी हैं वो सब सेव हो चुकी हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम। फिर यहाँ पर सर नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम और यहाँ पर सर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछी जाएगी, मतलब आपकी करेंट एड्रेस जो है, जहाँ पर आप करेंटली रहते हैं प्रेजेंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम फिलअप करना है, फिर विलेज या फिर टाउन या फिर सिटी का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट नेम फिलअप करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम फिलअप करना है, फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड फिलअप करना है, अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर यहाँ पर टेलीफोन नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, और यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यस पर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर मैं यस सेलेक्ट करती हूँ। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस,
तो अगर सेम है तो यस पर क्लिक कर लेना है, अदरवाइज नो क्लिक करना है। नो पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी फिलअप करना पड़ेगा। मेरा यही परमानेंट एड्रेस है तो मैं यस पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अगेन आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल फिलअप करनी है, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करनी है और उसके बाद सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट में आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपसे कुछ अदर डिटेल्स पूछी जाएंगी। पूछा जाएगा कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह पेंडिंग तो नहीं है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे जनरली यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है, मैंने पढ़ लिया है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सारे नो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद सेव डिटेल्स करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको पासपोर्ट का एक ओवरव्यू दिखाया जाएगा, तो आप अपने डिटेल्स को चेक कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने होंगे, तो सबसे पहले आपसे प्रूफ ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में भी आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं। ध्यान रहे, आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें उसे आपको रेडी करके रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको SMS फैसिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर हम यस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SMS फैसिलिटी की फी जो है वो 50 रुपीज है, लेकिन इसका आपको फायदा ये होगा कि पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको रिसीव होते रहेंगे। फिर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपसे लोकेशन और डेट पूछी जाएगी, तो जिस भी लोकेशन से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसे एंटर कर देना है और जिस भी डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई अग्री को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको पेमेंट करना है और उसके बाद फिर पासपोर्ट ऑफिस पर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चलिए लिंक पर क्लिक करिए और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।